पाकिस्तान पर एक बम गिरा दिया है, और वो भी उस वक्त ये बम गिराया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में, आप जानते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। आप देखिएगा, जो जो चीजें इन्होंने हमारे कश्मीर में करी थी ना, वही वही चीज वहां पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में हो रही है। इस बार जो है कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि इस बार बड़ी जम के ठुकाई हुई है। जी हाँ, और आजाद कश्मीर के लोगों ने ना पुलिस को छोड़ा, ना फौज को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताला लगा दिया है, मतलब बातचीत से मुतल्लिक उन्होंने फिलहाल बात बिल्कुल रोक दी है। मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा। आप कौन सा मुंह लेकर आप यूनाइटेड नेशन में जाके आप कश्मीर की बात करेंगे कि जी वो वाला कश्मीर हमें दे दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी है। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में परेशान होना बंद कर देना चाहिए, और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहते हैं उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे वो सारी बातें खराब हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली खराब ही हैं। और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज वॉट इज सेइंग। मैं आप बहुत सारी आप देखें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो मैं देख रहा था कि वो कहते हैं ना कि हमारा जो वो टीवी पॉल है, एक बड़े अच्छे बुक हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है। स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी देखें आप, अब देखें साउथ एशिया, गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है, मतलब ये कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे अलहदा हो गए, ठीक है वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे क्या मतलब, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंड सेट उनका।
हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ही होता है ना कि वो जैसे कहीं फैमिली के अंदर कोई बच्चा है, वो अलहदा हो जाता है माँ बाप से, और वो क्या जिंदगी, तो माँ बाप है छोड़ो यार क्या है, मतलब रहने दो, देखते हैं कितना को भागता है क्या करता है अभी थोड़ी सी, मतलब एक वो माइंड सेट जो है वो एक होता है ना एक इस तरह की चीज़ों का। सो ये मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान को नहीं देख रहा और ये फैक्टर को मैंने खत्म कर दिया। बात करेंगे एक बार फिर आजाद कश्मीर की, लेकिन उससे पहले मैं ये भी कह दूं कि आजाद कश्मीर वालों को शाबाशी तो मैंने सोशल मीडिया पर भी दे दी है, मैंने लिख दिया शाबाश शाबाश, अरे शाबाश शरीफ नहीं, शाबाश यानी कि वेल डन आजाद कश्मीर। लेकिन साथ साथ या कश्मीर और साथ साथ मैं ये भी कहूंगी अब है बारी केपीके की। जी हाँ, केपीके वालों तैयार हो जाओ, केपीके वालों बिल्कुल आपको भी शायद अपने राइट्स के लिए कोई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट किएगा, मार ताड़ कुटाई एक्शन से भरपूर नहीं होना चाहिए, पीसफुली बाहर निकलिए। अगर आपके जो राइट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा हिलाइए, इनको बताइए कि जी हम भी यहीं रहते हैं, हम भी इसी पाकिस्तान के सिटीजन हैं, पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम नहीं है। उनको बताइए कि जी केपीके में भी प्रॉब्लम्स हैं, केपीके के लोग भी बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि उनका राइट उनको दे दिया जाए। ये और बात है कि पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब की पार्टी की वहां पर हुकूमत है, लेकिन होता हुआ कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। ऐलान बहुत होते हैं, रोटी की कीमत ऊपर चली गई, रोटी की कीमत नीचे आ गई, रोटी 15 रुपए की हो गई, रोटी 20 रुपए की हो गई, रोटी इतनी हो गई, रोटी बस इससे आगे कोई कहानी नहीं चलती भी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यकीनन मेरा ख्याल अब यही रह गया है कि चाहे वो केपीके हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सिंध हो या कहीं और का इलाका, इवन बलूचिस्तान, सबको अपने राइट्स के लिए अब जो है वो शोर मचाना पड़ेगा, तभी शायद गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आएगी। और वैसे भी कश्मीर तो वैसे भी हमारी शहरग है, और शहरग का हमने क्या हाल कर रखा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ हम कहते हैं जी कश्मीर हमारी शहरग है, हमें भारत की साइड का कश्मीर भी चाहिए, हम वो भी ले लेंगे, हम उसको भी आजाद कराएंगे, और पाकिस्तान वाले कश्मीर में कश्मीरियों का हाल देखकर यकीनन भारत में जो कश्मीरी हैं वो कान पकड़ते होंगे और कहते होंगे भैया हमें यहीं रहने दो, हम इधर ही भले, हमें जो मिल रहा है हम यहीं पे सही हैं, इसलिए कि आप यहाँ तो बिल्कुल ही वाट लगी हुई है लोगों की, बिल्कुल ऐसा ही हमने होता हुआ देखा। लेकिन पाकिस्तानियों यानी कि पाकिस्तानियों से मेरा मतलब है एस्टेब्लिशमेंट के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, आप कौन सा मुंह लेकर आप यूनाइटेड नेशन में जाके आप कश्मीर की बात करेंगे कि जी वो वाला कश्मीर हमें दे दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी है और वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, तो आप हमें वो कश्मीर भी दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर भी उस कश्मीर को साथ मिलाकर उसका वही हाल कर दें जो हमारे कश्मीर का हुआ है।